सरदार प्रकाश सिंह बादल जो पंजाब के पांच बार मुख्यमंत्री रहे हैं वह इतने सिरे बन के टुके सन। दूसरी गल जी है अकाली दल जो बेअदबियां का जो परछावा नशा के मुद्दे का जो परछावा है इस तो हजे तक नहीं उभर सकिया। बीबी हरसिमरत कौर जी केंद्रीय मंत्री सन उन्होंने वालों जी शुरुआत उस बिलों को हमायत दी गई। अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल जी वालों भी प्रैस कॉन्फ्रेंस करके फिर एक चिट्ठी जारी करके उन्होंने बिलों की कितना ना कितने हमायत की गई। कांग्रेस पार्टी का जो उम्मीदवार है प्रीतम सिंह कोटभाई पिछली बार हालांकि उन्होंने उन्होंने खुद ही जबान के मुताबिक उन्होंने बहुता पैसा नहीं दिलाया कि आम आदमी पार्टी का जो नवा चेहरा से जगसीर सिंह मास्टर जगसीर सिंह उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। तो इस बार भी जोड़ा है दर्शन सिंह कोटफत्ता जोड़े अकाली बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार है वह इस एक बार फिर वह बाहरले हल्के तो है तो हल्के अकाली दल इस बार फिर वह तीजे स्थान पर है। बेरोजगारी नशिया का मुद्दा यह सब तो बड़ी समस्या है परंतु त्रासदी यह है कि इन्ना महत्वपूर्ण पिंड होने के बावजूद भी उत्थे मैं देखिया कि बाजीगर बस्ती होर गरीब इलाकों के लोगों के घर के गंदे पानी की निकासी तक नहीं है लोगों को उही जिहड़ा हैगा वो नरक भरी जिंदगी जिउण लई मजबूर होना पै रहा है। इस वक्त असीं भुच्चो मंडी दे विच हां क्योंकि हल्का भुच्चो मंडी का मेन स्थान यह है। बेशक भुच्चो नूं दो शहर लगते हैं एक कस्बा नथाणा लगता गोंदियाणा मंडी तो भुच्चो शहरां दे विच गिणिया जांदा और नाल नाल पेंडू खेत्र भी बड़ा है इन्हां दे कोल। कुछ क खासियत ने इस हल्के दियाँ एक तो सब तो वड्डी खासियत है कि इत्थों दे लोकां नूं हजे तक राखवें हल्के का ही सुभाग प्राप्त होया। पहला यह नथाणा हल्का सी बाद दे विच नवीं हल्काबंदी दे विच नाम बदल दिता गया कुछ क पिंड पा दिते गए कुछ क कढ दिते गए पर बाकी सिस्टम सारा कुछ उही है। तो पत्रकार मेरे नाल शामिल ने सीनियर पत्रकार परमिंदर जौड़ा जी। परमिंदर होरां दा लंबा टाइम सियासत दे नाल जुड़िया होया और पत्रकारिता दे नाल जुड़िया होया। अज असीं इस हल्के दीआं कुछ क खास गल्लां बातां दे उत्ते ध्यान तुहाडा केंद्रित करवाउणे आ। उहनां तों अंदाज़ा लग जूगा कि अगे भविख दे विच की होण दे आसार लगदे ने इस हल्के दे नतीजिआं दा। हाँ जी जौड़ा साहब स्वागत सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। भुच्चो हलका जिवें मैं गल करके हटिया कि पहला राखवां हलका नथाणा सी ते ना बदल के भुच्चो कर दिता जी। बिल्कुल। हुण जे इस हल्के दे उम्मीदवारां नूं देखणा होवे तो साढ़े कोल तीन उम्मीदवार है दो पुराने ने क्योंकि प्रीतम सिंह कोटभाई तीजी बार चोण लड़ रहे हैं और एक बार वो अकाली दल चो खड़े हुए हार गए पिछले बार उन्होंने मौका मिलिया कांग्रेस के वलों जित गए इस बार फिर मैदान दे विच है। तो उधरों जे देखना हो मास्टर जगसीर सिंह जिहड़े कि बादल साहब के सहुरिआं दे है पर उम्मीदवार अकाली दल दे सॉरी पर उम्मीदवार है जिहड़े वो झाड़ू दे है तो आम आदमी पार्टी के वलों उन्होंने पिछले साल पिछले प्लान के जो उम्मीदवार बनाया गया तो 700-750 वोटों के मार्जन के नाल वह हार गए सी। इस वक्त वह मैदान च है दर्शन सिंह कोटफत्ता टिकट दी है अकाली दल ने वो बाहरले हल्के ने पर इतने आके पता नहीं उन्होंने किहो जिहा आधार होगा हालांकि प्रीतम सिंह कोटभाई भी किसी होर हल्के है। तो ये तीन उम्मीदवार है जिहड़े मेन संयुक्त मोर्चे ने बेशक आपका उम्मीदवार ऐलान तो पर चल रहा कि वह शायद हजे तक जिहड़ियां अज तक दे अपडेट है कि उन्होंने मुताबिक लगता नहीं गा कि उसे नूं रखणगे बदलदे भी आसार है। सो फिर स्थिति किहो जिही लगदी है? देखो गल इह है वी जिहड़ी मेन मुकाबला होना है मुख रूप दे विच वह आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के दरम्यान ही होना है। अच्छा इस गल कोई शक नहीं कि पिछले जो चोणां सन 2017 दियां उस दे विच वी इन्हां दा नैक टू नैक मुकाबला होया सीगा आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी का जो उम्मीदवार है प्रीतम सिंह कोटभाई पिछली बार हालांकि उन्होंने उन्होंने खुद ही जबान के मुताबिक उन्होंने बहुता पैसा नहीं दिलाया ये बावजूद वो उन्होंने जित प्राप्त की पिछे कुछ ना कुछ कारण यह भी कि आम आदमी पार्टी का जो नवा चेहरा से जगसीर सिंह मास्टर जगसीर सिंह उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। ओवर कॉन्फिडेंस के चलद उन्होंने जोड़ा है एक तो यह भी उन्होंने हजे थोड़ा उन्होंने नवा तजर्बा होने करके गलबात लहजा से वह उन्ना कारगर नहीं सी। दूसरी गल उन्होंने अपने पिंड के मार पै गई क्योंकि उन्होंने अपना पिंड से जो चक फतह सिंह वाला जिथे जिथे कि अपना ग्राउंड होंगे कहा जाता है कि जो नींह मजबूत है तो इमारत मजबूत है जो नींह कमजोर है तो इमारत जी है बहुत ही मजबूत नहीं होंगी। तो उन्होंने तो कितना कितने एक बड़ी कमी रही कि अपने पिंड बहुत वर्क नहीं कर सके पिंड कुछ जातिवाद का जरा कोई मुद्दा अजा उठा कि पिंड उस तो काफ़ी उन्होंने नाराज से वह नाराजगी उन्होंने भारू पई। इस तो अलावा भुच्चो मंडी जो शहरी वोट वो अपने हक में भुगतान में नाकामयाब रहे क्योंकि वो भुच्चो का जो शहरी काडर है इन तोरन के उन्होंने जी सफल नहीं हो सके जी। ये दो वड्डियां मारा पईआं अखीर ते आके यही होया कि जो उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि असीं तां जित्ते जित्ते पए हैं तो इस गल की उन्होंने मार पई और 645 वोटां ते वो प्रीतम सिंह कोटभाई तो हार गए सन। इस बार जी स्थिति है वह बिल्कुल वक्री है। पिछली बार भी अकाली उम्मीदवार से जो हरप्रीत सिंह कोटभाई वह भी बाहरला उम्मीदवार से वह स्टार्टिंग तो ही पछड़ता नजर आ रहा है अखीर के 44,000 वोटों से सीमित रह गए जो कि आम आदमी पार्टी जी है कैंडीडेट मास्टर जगसीर सिंह
50,000 तो उपर वोटा लैन कामयाब हुए तो 51,000 कुछ वोटा जी प्रीतम सिंह कोट भाई पी कांग्रेस उम्मीदवार 645 वोटा दे जे तुरे सन। तो इस बार भी जो है दर्शन सिंह कोटफत्ता जो अकाली बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार है वह इस एक बार फिर वह बाहरले हल्के तो है। तो दूसरी गल जी है अकाली दल में जो बेअदबियां का जो परछावा नशा के मुद्दे का जो परछावा इस तो हजे तक नहीं उभर सकिया लोगों के कितना कितने खेती कानूनों का जो मुद्दा है उत्थे जो अकाली दल वालों अकाली दल की जो बीबी हरसिमरत कौर जी केंद्रीय मंत्री सन उन्होंने वालों जी शुरुआत उस बिलों हमायत दी गई अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल जी वालों भी प्रैस कॉन्फ्रेंस करके फिर एक चिट्ठी जारी करके उन्होंने बिलों की कितना कितने हमायत की गई परंतु बाद जो किसानों का दबाव ज़्यादा बन गया तो उन्होंने ना सिर्फ हमायत वापस ली सगों वजारत विचों भी वो बाहर आ गए परंतु उस चीज़ का जोड़ा परछावा है वह हजे उन्हों का साथ नहीं छड़ रहा वह जिन दे वांगू उन्होंने नाल नाल तुर रहे हैं। इस करके स्पष्ट है बिल्कुल इतों के पुचो हल्के अकाली दल इस बार फिर वो तीजे स्थान पर है जी। जी पहले तो दूजे स्थान की जो गल करनी हो फिर कांग्रेस के कोल की प्लस पॉइंट लगते हैं तो कोई डिवेलपमेंट इस हल्के की नज़र आँदी नशा के मामले बेशक कांग्रेस से दोष लगता है कि जिमें पहला चलता से उदू घटिया नहीं कम तो बधे ही है जी। जी गल करते आप डिवेलपमेंट की पिछले 4 साल जोड़े से वो भावें हल्का दे विकास तो होया पर बहुत धीमा हो रहा है बहुत स्लो से लोगों बहुत ही नज़र नहीं आ रहा परंतु पिछले 7-8 महीनों के जो इतने विकास कार्य किए गए कांग्रेस की विधायक प्रीतम सिंह कोट भाई वालों वो वाकई वो जो है वह दिस रहे सारे मंडिया के लॉन्ग टाइलों इंटरलॉक टाइलों जी सड़क बनाई गई पार्क जिते आप खड़े देखो कि वधिया पार्क बनाया गया इस तो अलावा एक होर म्यूनसिपल पार्क है वो भी नुहार बदली गई है सीवरेज की काफ़ी हद तक इन्होंने समस्या हल की उच्चो मंडी च सीवरेज का एक बड़ा मसला सी कि थोड़ा बहुत मीह पैन भी इतने पानी की बड़ी समस्या आती थी वो काफ़ी हद तक इन्होंने सॉल्व की है। इस तो अलावा होर मंडी के बहुत सारे कार्य किए गए हैं गोनियाला मंडी जी कि पुचो मंडी हल्के दूसरी मंडी पैंती है उत्थे भी विकास कार्य बहुत वड्डी पद्धर किए गए हैं लाइटा वगैरह होर काफ़ी कुछ। इस तो अलावा पिंड जो तक मेरी जानकारी है कि प्रीतम सिंह कोट भाई पूरे पंजाब के एको एक विधायक हैं जिन्होंने कि अपने हल्के 100 किलोमीटर के करीब नवी सड़क बनाई पुचो मंडी की गल करिए इतने लगभग 20 करोड़ रुपए के जो है प्रोजेक्ट इन्होंने ये लाए हैं खर्च किया है। तो इस तो अलावा एक इन्हों की होर वड्डी खासियत रही है कि इन्होंने जिते लोगों के आपसी झगड़े होंगे सके उन्होंने स्थानक पद्धर से निबड़ने की कोशिश की है तो किसी से भी कोई बदले की भेदभाव न बदले की भावना या भेदभाव न किसी परचे वगैरह नहीं करवाए ये इन्हों का हक हक में गल जाती है। बेशक पिछली बार थोड़े वोटा जिते सन परंतु इस बार जो पिछले लग रहा है पिछले 4 साल कि प्रीतम सिंह कोट भाई इस बार जिन्होंने टिकट मिलती है तो वह शायद वो पछड़नगे परंतु नहीं हूँ नेड़े जा चोणों के नेड़े आके उन्होंने अपने आप को काफ़ी अगे किया काफ़ी उन्होंने लोगों के अपनी पैंठ बनाई है तो इस बार फिर वो मजबूत दावेदार कांग्रेस पार्टी जो है बनते जा रहे हैं। तो मास्टर जगसीर सिंह आम आदमी पार्टी वालों उन्होंने आधार किमें लगता है मास्टर जगसीर सिंह का आधार भी अगर वध्या जिमें पिछली बार वो गैर तजर्बेकार सन इस बार एक तो उन्होंने 5 साल हल्के विचरे है लोगों के समागम से दुख सुख समागम से जाते रहे हैं तो सब तो वड्डी गल रही उन्होंने कि उन्होंने किसी तरह का कोई विवाद नहीं खटिया तो अगे ना उन्होंने तजर्बा भी होया बोलचाल उन्होंने भाषा शब्दावली सुधार होया अगे ना मिलवर्तन भी उन्होंने ज़्यादा वध्या है। तो एक वड्डी गल होर कि पिछली बार जो चुनाव लड़े सन उदों वो लड़े सर आम मुहरे इस बार जो है उन्होंने अपनी चोण मुहिम एक प्रॉपर एक विधिवत आप कह लीए विधिवत तौर पर उन्होंने ये चोन लड़ रहे हैं हाईटैक टैक्नोलॉजी का भी वो सहारा लै रहे हैं जो तक मेरी जानकारी है कि उन्होंने एक दो कंपनियां भी हायर की जिड़िया कि इलाके सर्वेक्षण वगैरह कर रही हैं इस करके उन्होंने भी अपनी इस बार जी दावेदारी है वो मजबूत की है। ये दोवें उम्मीदवार की गल हो गई जी पुचो विधानसभा हल्के जे असी समस्यावान की गल करनी हो समस्यावान जो मुढ़ कदीम तो नाल ही तुर जाए देखो जो समस्यावान की गल की जाए तो सब तो वड्डी गल तो बेरोजगारी नशिया का मुद्दा यह सब तो वड्डी समस्या है। इस तों अलावा पुचो हल्के एक वड्डी समस्या यह भी है कि इतने लड़कियों वास्ते कोई वड्डा विद्यक अदारा नहीं सरकारी तौर पर भावें प्राइवेट अदारे है परंतु प्राइवेट अदारों बारे आप जानते हैं कि साढ़े खास करके पिंडा के बहुत सारे परिवार यह जो है गरीब तबका मध्यम तबका जो कि वड्डिया फीसा तार के वो बच्चों नहीं पढ़ा सकते सरकारी जो अदारे है वो दूर दराडे है तो दूर दराडे साढ़े बच्चों को खास करके लड़कियों को जाने में बड़ी दिक्कत आती है। तो सब तो वड्डी समस्या यही है कि साढ़े इलाके उच्चो हल्के जो कि बदकिस्मती कहाँगा कि आजादी तो लैके हजे तक राखवा चलिया आ रहा है राखवा चलिया होने करके इतने यह बहुत विकास अजे नहीं होया तो लड़कियों का कोई विद्यक अदारा इतने सब तो वड्डी जी है समय की लोड़ है। इस तो अलावा पिंडा के आप देखते हैं कि हजे भी
अज के आधुनिक जमाने भी हजे भी लोग पिंड बहुत सारी थावां उत्ते पानी की समस्या निकासी की समस्या गलिया गुड़िया हजे प्रॉपर इस तरह का नहीं है। हजे बहुत सारे कार्य करने की जरूरत है। जिमें कि कुछ दिन पहले ही मैं जो साढ़े इतने राजनीतिक तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण पिंड है चक फतेह सिंह वाला जितों के सरदार प्रकाश सिंह बादल का सारा पिंड है। सरदार प्रकाश सिंह बादल जो पंजाब के पांच बार मुख्यमंत्री रहे हैं तो पंजाबी सियासत के बाबा बोड़ कहे जाते हैं। वह इतने सिरे बन के टुके सन चक फतेह सिंह वाला विखे। परंतु त्रासदी यह है कि इन्ना महत्वपूर्ण पिंड होने के बावजूद भी उत्थे मैं देखिया कि बाजीगर बस्ती होर गरीब इलाकों के लोगों के घर के गंदे पानी की निकासी तक नहीं है। लोगों को उही जिहड़ा हैगा उह नरक भरी जिंदगी जिउण लई मजबूर होना पै रहा है। मतलब समस्यावां तां सारियां इक्को जिहियां ते जे नाल देखणा होवे क्योंकि गोंदियाणा मंडी भी है इस विधानसभा हल्के च आ जांदी है। नथाणा कस्बा छोटा जिहा ते कई पिंड ने तुंगवाली हो गया साडा पिंड पूला हो गया जां कुछ होर जिहड़े नामी ग्रामी पिंड आ लहरा मुहब्बत हो गया। सो इह सारियां नूं नाल देखदे होए ते विशेषतावां नूं किहड़ियां नूं आपां ध्यान च रख सकदे हां? नहीं देखो विशेषतावां तो उही गल आ गई ना भी पिंडां दे विच जदों हजे आपां नूं सब तो वड्डी समस्या होंदी रुजगार की। जदों अपने को रुजगार के वसीले ही है नहीं, जदों आपां नूं जिहड़ी मुढ़लियां जरूरत है मुढ़लियां जरूरत ही पूरी नहीं हो रही तो गाहां की गल तो फिर आपां गाहां करांगे। सब तो जरूरत पहले यह होंदी भी सेहत ते सिक्ख्या। सेहत ते सिक्ख्या दो चीज़ां सानूं हजे उपलब्ध नहीं हो रही। तीजी गल जिहड़ी हैगी है भी जिवें हुण पानी है सारे इलाके दे विच चाहे आपां पुल की गल कर लीए चाहे भुच्चो मंडी की गल कर लीए पूरे हल्के की गल ही करिए आपां तां जिहड़ा इत्थे जमीन हेठला पानी है वह बहुत ही ज़्यादा दूषित है। उसके शोरे की मात्रा बहुत बड़ी तादाद है जिस करके सानू सेहत संबंधी समस्या वड्डी तो आ रही है। हड्डियां दियां हड्डियां जो खुरन की समस्या वड्डी आ रही है। तुम देखो कि इलाके बहुत सारे लोग अजे है जिन्हां दे दंदां की प्रॉब्लम है गोडे हरेक के लगभग 70% पासों यह जी होगी जिन्हां की वड्डी उम्र च आ के गोडिया का दर्द होंदा है। तो इतने घट्टो घट्ट जानी स्वच्छ पानी ही उपलब्ध नहीं है, नहरी पानी ही बहुत ही थावां तो उपलब्ध नहीं है। इस करके जो बुनियादी जरूरत ही पूरी नहीं तो बाकी गल्लां फिर तो बाद आई जी। फिर बादल साहब के सहरे होने का कोई फायदा होया इस हल्के नूं जां नहीं? नहीं, मैं समझदा कि हजे तक अजिहा कोई फायदा नहीं होया। बेशक बादल साहब का जिहड़ा सहुरा परिवार है वो उन्हां नूं फायदे हुंदे रहे हन। चक फतेह सिंह वाला जी वो रहिंदे रहे काफ़ी हद तक तो उस तों बाद चंडीगढ़ शिफ्ट कर लिया जी। हुण भी उन्हां दा पिंड दी सियासत तक तां सीमित हैगे ने। पिंड दी उन्होंने सरपंची हासिल की, सरपंची हासिल करने वास्ते एक पिंड नूं दो तड़ां दे विच वंडिया। भाई चक फतेह सिंह वाला दे विचों भाई हरजोगिंदर सिंह नगर वसाया गया ते वो सिर्फ सरपंची तक जां फिर नगर अपना भुच्चो मंडी दी ट्रक यूनियन है उहदे प्रधान तक सीमित रहे हैं। इस तों इलावा वह ना तो कोई वड्डा अहुदा हासिल कर सके ते ना ही उन्होंने इलाके नूं कोई बहुती मैं समझदा कि देना है जी। बहुत मेहरबानी जोड़ा साहब, बहुत धन्यवाद थोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू।